जोहार साथियों, आज इस एक दिवसीय वर्चुअल धरना प्रदर्शन के माध्यम से मैं राज्य के मुख्यमंत्री से अपनी चार सूत्री मांगों को लेकर के आज निवेदन करना चाहता हूं, जिसमें पहली मांग है कि राज्य में जिन भी पत्रकारों का निधन कोरोना संक्रमण के कारण हुआ है, उन पत्रकारों के जो आश्रित हैं, उनके जो परिजन हैं, उनको सरकार आर्थिक मुआवजा दे। दूसरा है कि राज्य में कोरोना संक्रमित जो भी पत्रकार होते हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं और कोरोना से संक्रमण जिनका हो जा रहा है, उसको मुफ्त इलाज राज्य की सरकार कराए अन्य प्रदेशों की तरह। और तीसरा है कि राज्य में जो भी पत्रकार बंधु हमारे हैं, उसको फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा अविलंब अन्य राज्यों की तर्ज पर राज्य सरकार दे। दूसरा विषय है ई पास का। हम सभी जानते हैं कि राज्य में जो ई पास की व्यवस्था लागू की गई है 16 तारीख से, जिसमें कि बहुत ही विसंगतियां हैं, बहुत ही त्रुटि है और बहुत आसानी से ई पास बन जा रहा है, जिससे लोगों को जो है एक तरीके से हम लोग कहें कि लोगों को एक लाइसेंस मिल जा रहा है बाहर घूमने का। और ये 27 तारीख के सुबह 6 बजे तक का आराम से पास निर्गत हो जा रहा है, बन जा रहा है, जिसके कारण मुझे लगता है कि किसी के आवागमन को हम पास के माध्यम से नहीं रोक सकते हैं। जब तक आम लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक पास का कोई मतलब नहीं है। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि अविलंब राज्य में जो है ई पास की व्यवस्था को समाप्त करने का काम करेंगे। तीसरा हमारा मुद्दा है कि जो निजी अस्पताल है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों के धांधली पर कार्रवाई करते हुए उनके नियंत्रण के लिए 104 के माध्यम से उनपे शिकायत दर्ज करने के लिए आम लोगों के बीच में लाया है पोर्टल को, लेकिन भी बहुत सारे निजी अस्पताल ऐसे हैं जो अभी भी, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला लाना चाहता हूं कि अभी भी रांची सहित और भी अन्य जिलों में बहुत ऐसे अस्पताल है जो अभी भी अपने धांधली कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं और राज्य सरकार के द्वारा निर्गत किए हुए जो भी आदेश है उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। और विगत दिनों हम लोगों ने देखा 111 लाइफ सेफ हॉस्पिटल जमशेदपुर के द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री पर जिस तरह की टिप्पणी की गई, इससे राज्य की जनता में डर की स्थिति है और बहुत भयावह स्थिति है। तो इससे मुझे लगता है कि कम से कम अविलंब जो है ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई होनी चाहिए और निजी अस्पतालों की धांधली और मनमानी रुकनी चाहिए। और चौथा और आखिरी मुद्दा जो हमारा है वो है रूपा तिर्की, जो दारोगा रूपा तिर्की साहेबगंज महिला थाना प्रभारी थी, उनके विषय पर है कि उनके जो परिजन हैं, अभी भी जो जांच रिपोर्ट आई है या साहेबगंज पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे उनके परिजन असंतुष्ट हैं। और मैं ये मांग करता हूं कि अविलंब जो है इसमें अनुशंसा सीबीआई जांच की राज्य सरकार करे, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी करे, ताकि रूपा तिर्की के परिजनों को न्याय मिल सके और रूपा तिर्की की आत्मा को शांति मिल सके। धन्यवाद। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।